प्रेम एकेडमी की सभी श्राविकाओं को सीमा मड़तवाल का सादर जय जयंत। आज हम आरिका थोकड़ा सीखेंगे। आरिका पहला द्वारा स्थिति द्वार। एक काल चक्र 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है, तो उसमें अवसर्पणी काल भी 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का और उत्सर्पणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अब आरिका अर्थ क्या होता है? अवसर्पणी का क्या होता है? जिसमें वर्ण गंध रस और भूमि की उपजाऊता सब घटती रहती है। और उत्सर्पणी जिस काल में अवगाना भूमि की उपजाऊ शक्ति और वर्ण गंध रस वैभव आदि सब बढ़ते जाते हैं। नाम 6 आर्य के नाम। पहला सुषमा सुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषम दुष्मा और चौथा दुष्यम सुषमा, पांचवा दुष्यम और छठा है दुष्यम दुष्मा। आर्य की स्थिति क्या होती है? पहले आर्य की 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की होती है, दूसरे आर्य की 3 कोड़ा कोड़ी और तीसरे की 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम और चौथे की 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम होती है। पांचवा और छठा आर्य की 21,000 ही होती है और उत्सर्पणी का इनका उल्टा हो जाएगी स्थिति। अब छठे आर्य का आयुष्य। छठे आर्य का आयुष्य लगते 20 वर्ष का और उतरते 16 वर्ष का होती है। छठे आर्य में अवगाहना क्या होती है? लगते 2 हाथ की, उतरते 1 हाथ की हो। और छठे आर्य में लोगों में पसलियाँ कितनी होती है? मनुष्य में लगते 8 फसलियाँ, उतरते 4 फसलियाँ होती है। छठे आर्य में मिट्टी का स्वाद पहले लगते राख के समान और उतरते बंजर घटिया हो जाता है। और छठे आर्य में आहार कैसे करते हैं? लगते प्रतिदिन बारंबार अमर्यादित करते हैं, उतरते भी प्रतिदिन बारंबार अमर्यादित करते रहते हैं। छठे आर्य के मनुष्य का सहनन कैसा होता है? सहनन सेवार्थक होता है। और संस्थान हुंडक संस्थान होता है। प्रतिपालना लगते 8 वर्ष और उतरते 4 वर्ष तक करते हैं। निवास स्थान। छठे आर्य के जीव का निवास स्थान गंगा सिंधु नदी के 63 बिलों में, मनुष्य 6 बिलों में और पशु 3 बिलों में और पक्षी ये 3-3 मंजिल में रहते हैं। गति व्रत पक्षखंड नहीं करते हैं, ये नरक त्रियंज गति ही होगी इनकी। विच्छेद 80 मसी कृषि और बादर देवकाय का विच्छेद हो जाता है छठे आर्य में। कारण छठे आर्य में जाने का कारण झगड़ा करने की आदत रखने वाला, ईर्ष्या द्वेष भाव रखने से, धर्म से दूर रहने से और शरीर पर राग ममत भाव रखने से। छठे आर्य के मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा? क्लेशमय होगा, अपवित्र आचार वाले होंगे, विवेकहीन होंगे, अमर्यादित जीवन जीने वाले होंगे। 6 वर्ष में स्त्री गर्भधारण करेगी। छठे आर्य में बचने जाने से अपन कैसे बच सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहला रात्रि भोजन त्याग करें, सप्त कुव्यसन का त्याग करें, बहुत ज़रूरी है ये। और तीसरा, जो जीव दान पुण्य व्रत प्रत्यक्षान करेगा, वैराग्य जीवन में अपना बढ़ाएगा, तो वो छठे आर्य में जन्म नहीं लेगा। जिन शासन मिला है प्यारा, नहीं जाना है हमको छठे आरा। सेवम बंते सेवम बंते, जय जय।